ही मौत बना जनाब, मौत बना जनाब। अपील है जनाब सरकार से, मीडिया के माध्यम से, इसका कोई टाइम टेबल होना चाहिए, लोगों को बिजली मुहैया होनी चाहिए, इसका कोई टाइम टेबल बनना चाहिए। शुक्रिया आदाब। फिलहाल अभी हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की जानिब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात की जाती है, लेकिन इन दिनों नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से ज़िला डोडा के डिफरेंट एरियाज़ में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की बात अगर की जाए, लोगों के मुताबिक, यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक यह कहा जाता है कि यहाँ से हमारे देश से, हमारे बाहर की कंट्रीज़ के लिए यहाँ से बिजली सप्लाई होती है और हम खुद गुफ अंधेरे में ही हमें रातें गुजारनी पड़ती हैं। लिहाजा इस तरह के हालात हैं। आज इसी के मसले पे क्या कुछ परेशानी रहती है, हम जानना चाहेंगे इन्हीं लोगों से कि इन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बिजली के हवाले से। मेरा नाम ये जी अब्दुल रशीद लोन है। मैं काष्टीगढ़ ये जी तहसील का जनाब रहने वाला हूँ। मैं डुमकुटित आज़ाद पार्टी का डेलीगेट हूँ। यहाँ पर मैं ये जी अर्ज जनाब करना चाहता हूँ जनाब मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर जो बिजली जनाब सप्लाई होती है, चाहे डोडा से हो, चाहे ये जी असर से हो, कुछ कुछ जनाब एरिया हमारा गागला पड़ता है, बंजल दारमसाल एरिया और ये काष्टीगढ़ के जितने भी जनाब पहचाते हैं, ये कम से कम 8-8 घंटे कट होता है जनाब ये जी इसका। यहाँ लोगों को जनाब महीने पर जनाब ये जी किराया बिल ये जी महीने पर मजी आ जाता है 15 दिन के अंदर, लेकिन इसका कोई शेड्यूल नहीं है। मेरी मौत बना जनाब अपील है जनाब डिपार्टमेंट से कि इस बिजली का कोई शेड्यूल होना चाहिए, ये टाइम पर लोगों को मुहैया होनी चाहिए। जब हम रात को खाना खाने का टाइम होता है तो बिजली ठप, बिजली का कोई फायदा नहीं है हम लोगों को। लेकिन मेरी मौत बना जनाब अपील है जनाब डिपार्टमेंट से, सरकार से, एलजी साहब से, जनाब गवर्नमेंट से कि हम लोगों को बिजली नया होनी चाहिए। ये कट का शेड्यूल, इसका कोई शेड्यूल ही नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। जब कोई टाइम आता है उस वक्त जब कोई खाने का या कोई बैठने का या कहीं जगह पढ़ने का, तो बिजली उसका मुहैया होती नहीं है। मेरी मौत बना जनाब अपील है जनाब डिपार्टमेंट से और सरकार से, ये जो बिजली का कट है, ये मतलब शेड्यूल को चेंज करें, लोगों को जनाब बिजली टाइम पर मुहैया होनी चाहिए। हम लोग जनाब किराया देते हैं, हम लोग जनाब आम लोग जितने भी पहुँचाते हैं, ये हर जगह जनाब कट है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी हम फोन करते हैं किसी ऑफिसर को, नहीं जी ये जनाब ये मजी उधमपुर से कट है, ये जनाब पीछे से कट है, इसका कोई जनाब शेड्यूल नहीं है। मेरी मौत बना जनाब अपील है जनाब सरकार से, मीडिया के माध्यम से, इसका कोई टाइम टेबल होना चाहिए, लोगों को बिजली मुहैया होनी चाहिए, इसका कोई टाइम टेबल बनना चाहिए। शुक्रिया आदाब की बात है। तो हम आपका फोन करते हैं सर, हमें बिजली की बहुत प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे हमें बिजली नहीं होती है। कभी बोलते हैं 33 kV पीछे से बंद है, कभी को जब बिल महीने पे आता है तो बिजली क्यों नहीं है। हमें बिजली होनी चाहिए कंटिन्यू, ना हमारे बच्चे कैसे अंधेरे में पढ़ेंगे। जब हम किराया देते हैं उसकी माफ़ी नहीं है, बिजली की माफ़ी होनी चाहिए हमें बिजली होनी चाहिए कंटिन्यू। बिजली नहीं है, हम पहाड़ी पे ऊपर रहते हैं, तो हमें बिजली होनी चाहिए। हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें बिजली होनी चाहिए। तो शुक्रिया जनाब।